Next question. Question says a person standing near the edge of a top of a building throws two balls A and B. Ball A is thrown vertically upwards and B is thrown vertically downwards with the same speed. The ball A hits the ground with speed VA and B hits the ground with speed B. अब उसके बाद हमें कंपेयर करना है कि VA और VB में क्या रिलेशन होएगा. पहला ऑप्शन है VA greater than VB, दूसरा है less than, तीसरा है बराबर, चौथा है it will depend on the height of the building and all that. All right? So इसका right answer होएगा ऑप्शन नंबर C, VA और VB दोनों बराबर होंगे. कैसे सिचुएशन समझते हैं. लाइक तो ये सिनेरियो है कि ये आपकी बिल्डिंग है, लेट से इसकी हाइट एच है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और उसने दो गेंदें फेंकी, एक गेंद को फेंका है यू वेलोसिटी से ऊपर और एक गेंद को फेंका है यू वेलोसिटी से नीचे. नाउ ये जो आपकी गेंद है ए, वो ऐसे 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 मान लीजिए पाथ लेके आई है, इसको आप ए कह दें, ये वाली गेंद आपकी ए है. दूसरे वाली गेंद जो है जिसको नीचे फेंका है उसका लेट से डिफरेंट कलर के पेन से इसे बनाते हैं, वो यहाँ पे ऐसे हिट की है, इसकी वेलोसिटी यू ए है और इसकी वेलोसिटी यू बी है एज़ पर क्वेश्चन. नाउ सवाल ये इन दोनों को कंपेयर करना है आपने को. तो इस केस में जो आपका दोनों की जो वेलोसिटी होएगी वो दोनों बराबर होएगी, यू ए विल बी इक्वल टू यू बी, दोनों जब हिट करेंगी दोनों बराबर रहेंगी. नाउ इसी को देखने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. नाउ इस केस में वी वेलोसिटी हमें कंपेयर करनी है, सो ये आपकी वेलोसिटी हो गई, लेट से ए के लिए लिख लेते हैं हम यू ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर, ये आपने पॉजिटिव वेलोसिटी दी थी, प्लस टू एक्सेलेरेशन आपका माइनस जी होएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे माइनस एच आ जाएगा. सो ये आपकी यू ए की वैल्यू आ गई, यू ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली ये वैल्यू जब हम बी के लिए कैलकुलेट करेंगे सो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यू बी स्क्वायर, ये आपकी फाइनल वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय माइनस एच, यानी कि यू बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा आपका यू स्क्वायर प्लस टू जी एच. तो ये आपकी दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी. सो ये आपका पहला तरीका हो गया ये करने का. दूसरा तरीका, इसको अभी हम एनर्जी के मेथड अभी हमने सीखा नहीं है, लेट से दैट, बट अगर आप थोड़ा सा और फिजिक्स पढ़ेंगे तो वर्क पर एनर्जी का जो चैप्टर आएगा उससे अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो आपने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की है वही यहाँ पे आपकी मतलब एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगाएंगे. सो यहाँ जो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की है, काइनेटिक एनर्जी आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करती है. सो वो काइनेटिक एनर्जी है वो, और प्लस जो आपकी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुई वही यहाँ पे आपकी नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होएगा और दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट आपकी सेम आएगी. सो इन दोनों तरीकों से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, सेम वेलोसिटी वुड बी द राइट आंसर.